और भाषा के बात सुनो चित धै अवधीमा सभी रचना तुलसी की। अया देखी के शक्ति सदै पर मान और बांधा के देखी के झूठी चरा की। गुंजारी भ्रमर कर जोरी कहे तुलसी जी हैं गोंडा के मूल निवासी। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, देख लीजिएगा ध्यान कीजिए कि सब वृक्षों में बांधा मिलता है लेकिन तुलसी के पेड़ में बांधा नहीं होता। आए, क्या क्या बात है, बहुत सुंदर। बांधा और तुलसी का क्या संबंध? बांधा एक बांधा परजीवी होता है जो पेड़ों पर मिलता है, आप जानते होंगे। बांधा परजीवी सभी वृक्षों में होता है लेकिन तुलसी में बांधा आप नहीं पाइए। गोंडा के माटी में पैदा भये और रहे तुलसी सरजू के किनारे। पशुकामा पुटी उनके गुरु के भई भेंट रहे दुख के अति मारे। अगर रूप हरी मिल गए उनका तुलसी का उठावत बाह पसारे। जैसे रंग का राज मिली है भ्रमर गुरु चेला के गात भये। दो श्रेष्ठ रचनाकारों का मिलन, बहुत सुंदर। वैसे तो हम श्रृंगार रस की कविता सुनाया करते थे, अगर आज जी जी स्वागत। अब समय हमसे पूछिएगा, समय तो देने वाले से पूछिए। सुना रहे हैं कितना समय उसने दिया। एक उसका पति परदेश में था और देखते देखते बारह महीने बीत गए। देखते देखते इसी प्रसंग को हम आपको देने जा रहे हैं। श्रृंगार रस का वियोग श्रृंगार का अद्भुत वर्णन है, आप देखिए। घुनाक्षरी में है, घुनाक्षरी में कवियों की चूंकि संख्या पर्याप्त है इसलिए आप सीमित समय में खूब आनंद देंगे। महीना सुन सखीरी प्रवीणा बीन साजने के सीना मोरा धक धक धड़के। ये बात है कि जेठ के महीना सुन सखीरी प्रवीणा बीन साजने के सीना मोरा धक धक धड़के। अब कही गए आवन बसंत ही मोर पिया धीरज धराई गए। खूब हंसी हंसी गए और दिन नाही कटत तपनिये सी होतियाली। रात हो कटत नन खत की निगिन गए। अब ये नाही भ्रमर तो झूठ है सगुन सब। रही रही काहे मोरा बाम अंग भर के। रही रही काहे मोरा बाम अंग भर के। आयो है साढ़े सो बादल उठत देखो कारे कारे बदरा बिजुरी कैसी चमके। और बड़े बड़े बूंदे से आवत हैं देखो सखी जैसे तानी मारत कमान काम हनी के। अब बूंदने के गिरे से आवार छन छन होती महर महर देखो माटी अस महके। और चलत समीर उर धरत नधीर जब जोर से कोयली मोर बगिया मत हुके। वाह वाह कि सावन के देखी के हरेरी अब सुन सखी मेघ की तरेरी देखी मन मोर पाके। और गावती सहेली सब सावन के गीत आज चढ़ी के ही बोले गया रात वैसे भरी के। और मोरनी के संग संग मोर जैसे नाचत और देख देख बदराय लाप भरी कुहके। गादुर के बोलनी के लागे नाही सखी हमें पपीहा के बोल मोर जिये राम कसके। वाह देखिए बारह महीने का सुनाएंगे। बादों की रहने भादों की रहने कारी कारी अंधियारी ऐसी निपट अकेली अब मन मोरा डर पे। अब बिरहा की मारी मोहे निपट बिसारी काहे छोड़ी के भ्रमर गए हम का उठान पे। बहुत सुंदर। गुर जनक के मारे मोहे डर लागे जब शेजिया मरा गे तब धीरे धीरे दब गए। और धीरे धीरे नींद जब आई गई हम का तो सपने में देख के नयन लागे धुर के। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने अपना आधार लिंक नहीं कराया है करवा ले, बाकी की कविता उनके डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में डाली जाएगी। एक बार जोरदार ताली हो जाए आदरणीय राजा जी के लिए, बहुत बहुत स्वागत है। हमें दूसरे चक्कर के लिए भी कुछ हीरे बचा के रखने हैं। ये महीना